नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन और आप देख रहे हैं TV24। खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से है, जहां जिला प्रशासन और पुलिस ने अपराध के जरिए अवैध तरीके से अर्जित की गई जमीन को गैंगस्टर एक्ट के तहत चार अभियुक्तों की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क की है, जिसके तहत पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर इलाके में मुनादी कराते हुए आरोपियों की संपत्ति को सीज कर नोटिस चस्पा किया है। सुमेरपुर थाना पुलिस ने उप जिला अधिकारी और सीओ सदर की मौजूदगी में कस्बे के गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त सोनू गुप्ता, राम प्रकाश गुप्ता, उमाकांत गुप्ता और रिजवान उर्फ गुड्डू निवासी मोहल्ला चांद थोक कस्बा व थाना सुमेरपुर की अपराध के जरिए अर्जित की गई 3 मकान, 1 ईंट भट्टा, 3 भूखंड, 5 वाहन व 1 धर्मकांटा सहित 5,04,34,556 रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क की है, जिसके द्वारा गैंग बनाकर लोगों को डरा धमका कर संपत्ति अर्जित करते हुए आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। गैंग के सरगना के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 18 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर मुनादी कराते हुए नोटिस चस्पा कर संपत्ति को सीज किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV24।